हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किरण की दुनिया। आज मैं आप लोगों के लिए बनाने जा रही हूँ स्वादिष्ट नमक, और इसे पहाड़ी भी नमक बोलते हैं, सूखा नमक भी बोलते हैं, और सूखी चटनी भी बोलते हैं। चलिए फिर रेडी करते हैं कि हम पहाड़ी नमक कैसे बनाते हैं। फ्रेंड्स, ये मैंने लिया है हरा लहसुन और 5 से 6 मिर्चियाँ, और ये गांव की देसी धनिया है, तो इसे भी हम अच्छे से साफ़ कर लेते हैं। हमें ये जो डंठल है इसकी निकाल लेना है, जैसे हम मेथी को साफ़ करते हैं। इस तरीके से, और इसको इधर निकाल देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने बढ़िया धनिया साफ करके इसे ले लिया है और इतनी डंठल निकली है। अब धनिया को हम अच्छे से धुल लेंगे, वॉश कर लेंगे, और फिर हम नमक बनाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने एक लिया है जार। इस जार में हम ये लहसुन भी काट के इसी में ऐड कर देंगे, छोटा छोटा पत्तियों सहित। और इसमें ज़रा सा भी पानी नहीं ऐड करना है, सूखा ही बनाना है। आप सूखा बनाकर फ्रिज में स्टोर कर लें, और कम से कम 10-15-20 दिन, महीने आप खा सकते हैं। मिर्ची भी हम काट लेंगे। ये हमने रेडी कर लिया है। अब इसमें हम देखिए सूखी धनिया एकदम है, इसे भी हम डाल देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ऐसे हो गया है। अब इसमें हम डाल देते हैं ये नमक, जो मैंने सेंधा नमक लिया है बरत वाला, और इसे भी मिक्स करके हम पीस लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा नमक बनकर रेडी हो गया है, ये देखिए। और इसे हम रख सकते हैं कम से कम महीनों तक, बस फ्रिज में आप स्टोर करके रख दीजिए। आप इसे फ्रीजर में रख देंगे तो काफ़ी ये सूख जाएगा, और खाने में बड़ा टेस्टी लगता है। तो आप भी बनाइए, खाइए, और अपना अनुभव मेरे कमेंट बॉक्स पर शेयर करना ना भूलें फ्रेंड्स। और मेरी वीडियो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।